और चलिए इसी बीच कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। ये बड़ी खबर, गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कल ही हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपना फैसला सुनाया था, गिरफ्तारी को सही बताया था, केजरीवाल की गिरफ्तारी को कोर्ट ने सही बताया था। और अब सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। कल ही हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपना फैसला सुनाया था, केजरीवाल की गिरफ्तारी को कोर्ट ने सही बताया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अब अरविंद केजरीवाल। पहले हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही बताया है। टाइमिंग पर भी जो सवाल उठ रहे थे उनको भी ये कहा गया है कि ईडी डिसाइड करेगी कब होना है, कब किसकी गिरफ्तारी की जानी है। और साथ ही साथ ये भी कहा हाईकोर्ट की तरफ से, ये भी कहा गया कि किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी हुई है याचिकाकर्ता की, यानी कि सीएम केजरीवाल की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में देखना होगा कि कब सुनवाई होती है और क्या कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल पाएगी अरविंद केजरीवाल को या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है ईडी की तरफ से, उन्हें 21 मार्च को शाम को गिरफ्तार किया गया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरफ्तारी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल। कल ही हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपना फैसला सुनाया था और गिरफ्तारी को कोर्ट ने सही बताया। और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है अरविंद केजरीवाल ने।